नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आजकल लोग अपनी संपत्ति को घर की महिलाओं के नाम पर खरीदना ज्यादा उचित समझते हैं। समझते ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में ज्यादातर संपत्तियों को महिलाओं के नाम पर ही खरीदा जाने लगा है। समय के साथ साथ महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने का सिस्टम आया है, जहां पहले घर बनाने के लिए जमीन खरीदने वक्त या किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले घर की महिलाओं से केवल सलाह मशविरा लिए जाते थे। वहीं वर्तमान में अब घर की औरत के नाम पर ही लोग जमीन को खरीदना चाहते हैं। कई लोग इसके पीछे की वजह को जानना चाहते हैं कि जमीन खरीदने में रजिस्ट्री घर की महिला के नाम से ही क्यों कराया जाता है। तो आपको बता दें कि महिला के नाम पर संपत्ति खरीदने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिससे रुपए की बचत होती है। महिला के नाम पर सरकारें प्रॉपर्टी स्वामित्व के मामले में कई तरह की छूटें देती हैं, जिससे आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। इससे आपका तो लाभ हो ही जाता है, साथ ही साथ महिलाओं को भी आर्थिक मजबूती मिलती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों महिलाओं के नाम पर ही जमीन की रजिस्ट्री करानी चाहिए और इसके कौन कौन से फायदे होते हैं। संपत्ति मामले के जानकार के मुताबिक पुरुषों के नाम पर जमीन रजिस्ट्री करवाने में कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके विपरीत महिलाओं को बहुत से फायदे मिलते हैं। इनमें रजिस्ट्री, टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, लोन प्रक्रिया इत्यादि में छूट मिलती है। महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने का सबसे बड़ा फायदा इसकी रजिस्ट्री कराने पर मिलता है। देश के किसी भी राज्य में आप औरत के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट मिलती है। वहीं अगर संपत्ति के मालिक दो लोग होते हैं या ज्वाइंट ऑनर होते हैं तो इस परिस्थिति में भी रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलती है। इसका मतलब है कि कोई दंपत्ति अगर ज्वाइंट रजिस्ट्री करना चाहेंगे तो उन्हें भी स्टाम्प ड्यूटी में 1% माफ हो जाएगा। इससे आपके जेब पर बढ़े बोझ में थोड़ी राहत मिलेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक महिलाओं के नाम से संपत्ति खरीदने पर कई तरह के राहत मिलते हैं। बड़े शहरों में जमीन लेने पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हर साल ही कुछ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर भरने होते हैं। ऐसे में सूझबूझ यही होगी कि आप ऐसे शहरों में जमीन का मालिकाना हक अपने घर की महिलाओं के नाम पर कर दें, क्योंकि ऐसा करने से प्रॉपर्टी टैक्स में भी कुछ रुपए माफ हो जाते हैं। वहीं कई बार ऐसा होता है कि जमीन खरीदने के लिए आपको लोन उठाना पड़ जाता है। ऐसे स्थिति में अगर मियां बीबी दोनों ही नौकरी कर रहे हैं तो लोन उठाते वक्त एप्लीकेशन में दोनों का नाम जोड़ लेना चाहिए, यानी कि पति को पत्नी का नाम को एप्लीकेंट के रूप में जोड़ लेना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी और उनकी आय एक साथ शामिल हो जाएगी और इससे आपको ज्यादा होम लोन भी मिल सकेगा, आसानी से मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। ऐसे एप्लीकेशन को बैंक जल्दी स्वीकार भी लेते हैं। औरत के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने का फायदा सामाजिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। इससे परिवार के सदस्यों में जबरदस्ती के लड़ाई झगड़े और विवाद नहीं होते हैं। भाई भाइयों में विवाद भी कम देखने को मिलता है। साथ ही अगर कोई संपत्ति खरीदने पर उसे महिला के नाम रजिस्टर करा दिया जाता है तो उस घर में रह रहे परिवार के सदस्य किसी तरह का किराया आदि का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो महिला के नाम पर घर, जमीन, प्लॉट आदि की रजिस्ट्री कराने के इतने सारे लाभ हैं। ऐसे में आपको भी जमीन खरीदने से पहले इन फायदों को जरूर सोच विचार कर लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।